सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ओके। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में कहाँ कनेक्ट होने हैं तो वहाँ उन्हें लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाप जी, आपके बच्चे एट ऑफ कप्स, सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं दो कार्ड आए हम नहीं देंगे, हायरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सौरो, ये है नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। मास्टर, सक्सेस, हार्मनी, ड्रीम, कॉम्प्रोमाइज, गाइडेंस, ओके।
माइंड, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सेलिब्रेशन। देखिए सेजिटेरियस, आपके जीवन में 15 दिन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा ही चल रहा है बल्कि। लेकिन आप लोगों की ऊर्जा अगर मैं देख रही हूँ ना, तो आप लोग एट ऑफ कप्स और सोरो की ऊर्जा में हो। देखिए थोड़ा मैं अगर आपको यहाँ पर फोकस करूँ, तो आपका रुझान थोड़ा ऐसे लोगों पर जाने वाला है जो जिन्होंने आपको हर्ट किया, या फिर जो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरे। ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, पर अच्छी बात क्या है कि आप समझदारी दिखाते हुए उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं। आपको दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है, कौन मेरे भले में है, कौन मेरे बुरे में है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, डिस्टेंस नहीं कहूँगी, आप ऐसे लोगों को छोड़ते हुए, छोड़ करके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ऊर्जा भी है कि हाँ, आपने कुछ ऐसे लोगों से उम्मीदें बांधी थी, जो वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई, या फिर आपके खुद के कुछ ऐसे सिस्टम हो सकते हैं कि आपने ऐसे लोगों से रिश्ता नाता रखा, या आपने कुछ ऐसा किया जिसका, जिसे कहते हैं ना कि वो रिज़ल्ट बने, समझ रहे हैं आप। तो वो एक अंदर ना, आप अपने आप को जैसे कि ब्लेम करते हुए कि क्यों मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती करी, क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा, तो वो भी आपके अंदर चलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, उनको छोड़ते हुए, छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आगे कहाँ बढ़ रहे हो, आपके दिमाग, आपके जो माइंडसेट है, आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप अपने जीवन में बिल्कुल एक अपनी शुरुआत करना चाहते हो, एक रीबर्थ वाली एनर्जीज है, बिल्कुल न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज है, कुछ नया शुरू करना, आप बिल्कुल अपने जीवन की बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत करना, वो आपके अंदर चल रहा है। और यहाँ आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। ये सबसे अच्छा मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि आप डिवाइन की गाइडेंस को, या फिर जिसे कहें कि जो डिवाइन, जो रोशनी आपको दिखा रहे हैं ना, जो आईना आपको बेसिकली ऐसे लोगों का दिखा रहे हैं, ट्रू फेसेस आपको ऐसे लोगों के या ऐसे सिचुएशंस के दिखा रहे हैं कि हाँ, ये लोग, ये सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती हैं, इन्हें छोड़ करके आगे बढ़ो, तो उन मैसेजेस को आप रिसीव कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिश्तों की। तो रिश्ते आपके ये जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, बहुत ही बैलेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 6 और 6 की एनर्जीज है, बैलेंस। और एक बात तो है, यहाँ पर अगर मैं बैलेंस बोल रही हूँ, मतलब सब कुछ इक्वल चलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप भी अपनी तरफ से दे रहे हो, तो सामने वाले की तरफ, सामने से भी आपको उतना ही मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार, सब कुछ वो मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊर्जा एक सेंस में रिफ्लेक्शन की भी बात करती है, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक है। कहने का मतलब, अगर आप सामने वाले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी तरीके से आपको भी पेश आना है। आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट करेगी सामने वाले रिश्तों पर। तो ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग यहाँ पर मैरिज के रिगार्डिंग भी अगर देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर शादी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिटरली मुझे नेक्स्ट 15 डेज में मैरिज होती हुई भी दिखाई दे रही है। किसी की मैरिज हो सकती है यहाँ पर, या इंगेजमेंट हो सकती है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फिक्स होना, ओके, मतलब परमानेंट होना, वो वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग यहाँ पर जिसे कहते हैं कि आप एक सही पर्सन की वेट में थे, तो वो पर्सन भी आपके जीवन में एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिश्तों में अगर कुछ भी उलझन चल रही है, या फिर आप बेहतर चाहते हैं अपने रिश्तों को, तो थोड़ा ना अपने कर्मों पर फोकस कीजिए, अपने लाइफ में दूसरों की मदद करने पर फोकस कीजिए। मदद करने पर फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर बोल दिया है कि हाँ, अच्छे कर्मों पर फोकस करना है, तो बस आपकी ड्यूटी यहाँ तक होती है कि मुझे किसी को देना है, या मुझे किसी के लिए बस करना है। ये डिपेंड करता है कि हाँ, आप किसके लिए कर रहे हो, क्या वाकई में वो नीडी है भी या नहीं, या फिर वो इंसान लालच से भरा हुआ है। तो बहुत सोच समझ करके, और बिल्कुल जिसे कहते हैं प्योरिटी के साथ, अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि अंदर से वो एक होता है कि हाँ, मुझे किसी की मदद करनी है, ये इंसान को मेरी ज़रूरत है, इसको मदद की ज़रूरत है, तो मैं कर सकता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, डिवाइन ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मैं ज़रूर करूँगा।
तो वो उस एनर्जीज में आपको टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। एक बात याद रखिएगा, जितना आप किसी के लिए करेंगे, भले ही कोई राय दे रहे हैं, या बच्चों की आप मदद कर रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं उनको, या किसी बुज़ुर्ग की आप मदद कर रहे हैं, किसी का टूटता हुआ घर अगर आप बचा रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं तो कहूँगी याद ही मत रखिएगा, बस करते रहिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करियर की। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, भाई करियर में तो आप बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो, प्लानिंग चल रही है, किसी प्लानिंग को अप्लाई करते हुए, मतलब कोई आइडिया या फिर बहुत ही जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ की स्ट्रैटेजी बना रहे हो या ऑलरेडी बना चुके हो, तो उस पर आगे बढ़ते हुए एक्शन लेते हुए कर्म करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। जिसे कहते हैं ना कि हाँ, जो आपने सोचा ना करने के लिए कुछ भी, चाहे वो छोटे वर्ग में हो चाहे वो बड़े दायरे पर हो, उसके आपको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर से तृप्त हो जाओगे कि हाँ, यहाँ पर मैंने एफर्ट्स डाला है, मेरा ये आइडिया था और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल साइड पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ से कोई आपके साथ कनेक्शन जुड़ सकता है, मतलब या तो आप किसी के साथ डील पक्की कर सकते हो। ठीक है, यस, आप किसी के साथ डील, अदर कंट्री हो सकती है ये खास करके, या अदर सिटी भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग तरीके से, तो किसी के साथ कोई डील फाइनल हो सकती है, या फिर आपके आपका आपके जाने की प्लानिंग है वहाँ पर, अगर आप कुछ करना चाह रहे थे करियर के रिगार्डिंग, कोई ट्रैवल भी हो सकता है, तो उससे भी बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव जिसे कहते हैं रिजल्ट्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ में यहाँ पर मुझे आप बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर सेजिटेरियस, आपने पिछले कुछ समय से अपने कुछ अच्छे कामों को करना रोक दिया था हेल्थ को लेकर के, जैसे अपना ख्याल रखना, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि कुछ चीज़ें आप पास्ट में करते थे अच्छी चीज़ें अपनी हेल्थ को लेकर के, अभी वो चाहे घर का खाना खाना हो, अच्छे रूटीन को फॉलो करना हो, सुबह जल्दी उठना हो, एक्सरसाइज करना हो, योगा करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर एग्जैक्टली कुछ भी, जैसे आप प्राणायाम पहले करते थे या मेडिटेशन आप पहले करते थे, कुछ समय से आपने छोड़ दिया था, तो उस चीज़ पर दोबारा आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, जिस वजह से कुछ तो चेंज आप कर रहे हो यहाँ पर, या फिर आपने पास्ट में कोई प्लानिंग करी थी कि मैं ये करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, जिम ज्वाइन करूँगा, या फिर योगा सीखूँगा, या फिर योगा करूँगा, तो वो जो प्लानिंग आपने उस समय मतलब आपने सोचा था वो किया नहीं था ना, वो आप इस समय अप्लाई कर रहे हो और आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। आपकी अगर आप उसको अप्लाई करते हो, एक्शन मोड पर लाते हो, तो आपकी हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो देखिए, जैसे आप कर्म कर रहे हो, उसके बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, 9 of Pentacles बहुत पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, बेसिकली जो भी आप कुछ कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो, अपने करियर में कुछ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर अपने फाइनेंसेस में, अपने रिश्तों में, अपनी हेल्थ को लेकर के, उसके बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। पर ये कार्ड क्यों आ गया हमारे पास, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी आ गया हमारे पास, ये थोड़ा बताता है कि ये काम कब होगा। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, खास करके ये मुझे आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हेल्थ के, मनी के रिगार्डिंग भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर जिसे कहते हैं ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। थोड़ा सा आपको, अगर आपको ऐसा लगता था कि आप फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, या फिर बाहर के खाने की, या फिर बहुत स्पाइसी फूड आपको खाना पसंद था, तो आप वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे ये वक्त में। ठीक है, अगर आपको ये लगता था कि मतलब जो चीज़ आपको पसंद आई आपने वो ख़रीद ली, या फिर जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ काम की नहीं भी है उस पर भी बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्शन चला जाता था और आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते थे, तो ये वक्त है उस उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हार्ट टाइट करने का। यहाँ पर
आपको फोकस किस पर करना है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं अपने कर्मों पर फोकस कीजिए। दूसरों की मदद कर सकते हैं तो वो कीजिए, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को जो कोई जैसे कि अननेसेसरी कहीं पर फिजूल खर्ची करना, उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। और मुझे ये एनर्जीज़ ये भी मिल रही है कि ये टाइम है ना, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको किसी चीज़ का आलस नहीं करना है, ठीक है। आलस से यहाँ पर आपको बचना है। अगर आप किसी काम को करने से आलस कर गए ना, या आपने उसको डिले कर दिया, तो फिर वो काम होगा नहीं, तो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। और जिस काम को कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है, खासकर ये जो हेल्थ के लिए आपके लिए आ रही है, ठीक है, उस काम को कंटिन्यू करना है। हम अब बात कर लेते हैं आपके लिए, देखिए गाइडेंस यहाँ पर है, ये आपके लिए चैलेंज कहें, ऑब्स्टेकल कहें, स्टार की ऊर्जा है। स्टार की ऊर्जा होप की ऊर्जा होती है, बैलेंस की ऊर्जा होती है, हीलिंग की ऊर्जा होती है, ठीक है। और यहाँ पर गाइडेंस है, ये खास करके मुझे आपकी इस चीज़ से मुझे कनेक्टेड लग रहा है। ये जो भी चीज़ है, चाहे ये कोई सिचुएशन है, चाहे ये कोई रिश्ते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जिनसे आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये आपके जीवन में, लेकिन आप फिर भी ना जैसे मुड़ मुड़ कर पीछे देख रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ों से आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन नेगेटिवली अटैच भी हो, वो थॉट्स भी आपके अंदर हैं, मतलब आप उन चीज़ों में स्टक भी हो, मेंटली स्टक हो। तो वो जिसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में जो अच्छा हो रहा है, वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर पूरी तरीके से फ्लो होने देना, ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ा आपको बैलेंस बनाने पर काम करना होगा, अपनी हीलिंग पर काम करना होगा। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है या फिर कुछ रिश्ते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप हो ओपन ओपनो प्रेयर को ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्राई नहीं कहूँगी, उसको अप्लाई कीजिए। इतनी पावरफुल प्रेयर है वो, अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो किसी भी पर्सन से डिस्कनेक्ट होने के लिए, उसकी ऊर्जा को रिलीज़ करने के लिए जो आपको परेशान कर रही है, तो वो आपकी बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और है ये, क्योंकि आपके लिए नेगेटिव वे में आया है, यहाँ पर ऑब्स्टिकल के फॉर्म में आया है। देखिए कहीं पर भी अगर आप इन नेक्स्ट 15 डेज में स्टक फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि गाइडेंस की ज़रूरत है, इमोशनली मेंटली फिजिकली कहीं पर भी स्टक हो, किसी डिसीजन को लेने में स्टक हो, या कुछ भी कहीं क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो गाइडेंस मांगिए, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है, मदद मांगिए। यहाँ पर ना आपको मदद मांगने से शर्माना नहीं है, मदद मांगने से आप छोटे नहीं होंगे, आपको डिवाइन यहाँ पर इस समय ये बोल रहे हैं, मदद लीजिए, मदद आपके लिए अवेलेबल है, हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, आप मांगोगे तो वो हेल्प आपके लिए आएगी। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना यहाँ पर नंबर सिंक्रोनिसिटीज यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, और आप में से कुछ लोग यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। नंबर सिंक्रोनिसिटीज की खासकर मैं बात कर रही हूँ कि जगह जगह आपको रिपीटेटिव नंबर दिखना, 555, 111, 111, 222, 333, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये साइन है आपके लिए कि जब भी आपको ये नंबर्स दिखें तो आपको एक कमांड देनी है, या फिर मैं कहूँगी कि आपको ऐसा बोलना है कि हे यूनिवर्स, या जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, या फिर मैं कहूँगी एक नॉर्मल फॉर्म में बोलिए, एंजल्स, डिवाइन, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, एंसेस्टर्स, एंजल्स बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम एंजल अपने एंसेस्टर्स को ना मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, आपको रिस्पेक्टफुली बोलना है कि मैं आपको परमिशन देता हूँ कि इस समय में जो मेरे जीवन में रिक्वायरमेंट है, या फिर जो मेरे जीवन में बदलाव की ज़रूरत है, या मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो भी चीज़ हो आपके जीवन में, उसमें मेरी मदद कीजिए, मैं आपको वो परमिशन देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो हैं फ्री विल में काम करती हैं, आपको अगर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपको दिख रही हैं, इट मीन्स आपके गाइड्स, एंजल्स आपको दिखा रहे हैं कि वो आपके आसपास है। अगर आप किसी भी दुविधा में हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो, कंफ्यूज हो, या बाहर नहीं आ पा रहे हो पूरी तरीके से इमोशनली मेंटली, तो उसमें वो आपकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आप उनको वो परमिशन दोगे ना, आपको किसी ना किसी रूप में वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके साथ कि आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, जो भी प्रॉब्लम है ना उसका आपको वो रास्ता मिलेगा, ठीक है, साफ आपको पता चल जाएगा,
ठीक है, तो ये आपको बोलना है। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके लिए कि आपकी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो देखो, थोड़ा ना प्रैक्टिकल हो जाओ, खास करके ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट में आने की ज़रूरत है। अगर इमोशनल लेवल पर आकर के सोचोगे या देखोगे चीज़ों को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ऐसे सिचुएशंस को कट करने में। ठीक है, यहाँ पर अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं, और वो बैलेंस होगा कहाँ से? मेडिटेशन करने से, योगा करने से। ठीक है, जब आप अपने ऊपर काम करोगे तभी चीज़ें बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पे माइंड आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। और आपको बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल डिसीजंस अपनी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में बनाने हैं, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए और क्या आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरी प्यारी भैया, थैंक यू। सैजिटेरियस धनु राशि, प्लीज़ बताएं और क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हो अगले 15 दिनों के लिए। ओके, टेम्पटेशन, ओके, स्टैंड योर ग्राउंड, ओके, एंड पार्टनरशिप एंड अलायंस। येस डेफिनेटली, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके लिए मदद है यहाँ पर, हेल्प है, गाइडेंस देखिए, एंजल्स, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रिलीम से हो, ठीक है, वो आपके लिए मदद है, वो आपके लिए हेल्प है, लेकिन आपको एक कमांड, या फिर कमांड नहीं बोलेंगे, आपको परमिशन देने की ज़रूरत है। तो आपके लिए मदद वो आ रही है। अगर आप कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ पर टेम्पटेशन भी है, कुछ ना कुछ आपका ऐसा है जो आपको नेगेटिविटी जो है ना अपनी तरफ खींच रही है इस टाइम में। आपका माइंड बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, मैं सच्ची बताऊँ यहाँ पर, क्योंकि माइंड का कार्ड है यहाँ पर, तो जैसे कि दिमाग, यहाँ पर भी 9 of Swords की ही ऊर्जा है, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर, जिसे कहते हैं ना कि बिना बात के बस नेगेटिव सोचना, तो इस समय नेगेटिविटी यहाँ पर ना थोड़ी भारी हो सकती है, आपके दिमाग पर भारी हो सकती है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने टीम से ना मदद मांगिए, वो आपको डेफिनेटली वो रास्ता दिखाएंगे वहाँ से बाहर निकलने में, क्योंकि कुछ है आपके जीवन में जो आपको ना, जैसे आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, जो आपको रोशनी की तरफ आगे बढ़ने से रोक रहा है। ठीक है, जब हम पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसी नेगेटिविटी हमें उस तरफ आगे बढ़ने से रोकती है, तो वो आपको नहीं करना है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको डट करके उस सिचुएशन का सामना करना है, आपको पुल डाउन नहीं होना है, या इस नेगेटिविटी के, इस डार्कनेस के चंगुल में आपको नहीं आना है। इस समय मैं बताऊंगी कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप जितना हो सके डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए, हिंदुइज्म में तो क्या है, आप भजन कीर्तन कर सकते हो, मंत्रा जाप आप कर सकते हो, वो कीजिए। ठीक है, अदर रिलीजन्स में आप अलग अलग फॉर्म में, अगर मैं बात करूं तो आप प्रेयर्स कीजिए, या फिर जो भी आपके में होता है वो कीजिए। और सबसे ज़्यादा ना, आप अपने ऑरा को क्लींस कीजिए बार बार, मतलब जिसे कहते हैं ना, जैसे हम दिन में 2 बार पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, तो उस समय आप जो भी धूप बत्ती या सेज जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज जो है 7 टाइम आप घुमाएंगे, और उसके बाद घर के बाहर रखाएंगे, लगा देंगे। ठीक है, घर के अंदर नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा ये आपको करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब जो भी है ना, नेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिव थाट्स हमारे होते हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने ऑरा को क्लींस करने के लिए बोला जा रहा है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को, जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो ना, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रांग बना लो, मेडिटेशन करो, कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि ध्यान पक्का ही लगेगा, एटलीस्ट आप बैठो तो सही, कोई म्यूज़िक ही लगा लो, अपने जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो उन्हीं से कनेक्टेड कोई म्यूज़िक है, अगर कुछ उनके जिसे कहते हैं कि जैसे हमारे में क्या बोलते हैं, वचन बोलते हैं, ठीक है, मतलब वो ऐसी बातें जो उन्होंने बोली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लगा लो और आंखें बंद करके जस्ट बैठ जाओ, तो ये करने की आपको ज़रूरत है। और अगर आप और ये आपके लिए क्या है, अपने थर्ड आई को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलिए इस समय में, थर्ड आई को खाली मत छोड़िए, आप चाहे मेल है या फीमेल है, टीका लगा करके चलिए, उससे आपकी थर्ड आई भी प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है,
और इस वक्त में यस जितना हो सके ना मैं बोलूँगी आपको अपने इस जीवन में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए। देखिए आपके लिए ना यहाँ पर क्या कार्ड है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी। तो यहाँ पर आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, ठीक है। और जितना हमारी जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं ना, तो हम भगवान के साथ कनेक्शन या यूनिवर्स डिवाइन के साथ थोड़ा डिटैच से हो जाते हैं। नेगेटिविटी में, बुरे वक्त में तो हम बड़ी जल्दी उनकी तरफ खींचे चले भी जाते हैं, लेकिन जब हमारे लाइफ में सब अच्छा चलने लग जाता है ना, तो हम उनसे थोड़ा सा डिटैच से हो जाते हैं। चलो अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप सुबह शाम पूजा पाठ करते भी हैं या फिर उनके साथ उनका नाम लेते भी हैं, तो भी वो जो दिल से कनेक्शन वाली बात होती है ना, वो नहीं हो पाती। वो सिर्फ ऊपर 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 की रह जाती है, वो अंदर से वो कनेक्शन नहीं आता। वो अंदर से कनेक्शन कब आता है, जब आप नेगेटिविटी में जाते हो। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग बना दीजिए, ताकि इस समय में नेगेटिविटी आपको कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि सब अच्छा है तो शायद आप ना उतने उस लेवल वाले कनेक्शन में हो नहीं। अब आप ना प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हो, तो वो एक कनेक्शन ना डिवाइन के साथ वो थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो गया है। वो एक सोल लेवल वाला कनेक्शन अभी थोड़ा मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसको और बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए लास्ट में आपके लिए यहाँ पर मैसेज देख लेती हूँ और आपको डिवाइन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। प्रॉस्पैरिटी एंड अबंडेंस, मैं बोल रही हूँ आपको कि वो आप अच्छे समय में हो तो आप उस अबंडेंस को, उस प्रॉस्पैरिटी को रिसीव कर रहे हो, पर इस वक्त में आप इंजॉय कीजिए, बिल्कुल इंजॉय कीजिए। जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अबंडेंस दे रहे हैं, उसे इंजॉय कीजिए, पर उनके साथ अपने कनेक्शन को डिसकनेक्ट मत होने दीजिए। और ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स की ऊर्जा है डिवाइन आपको बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए जितना हो सके ना, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं उनको लेकर के उनको थैंक यू बोलते रहिए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए। ये भी एक ऊर्जा है जो आपको हाई वाइब्रेशंस में रखेगी, जो आपको इस ऊर्जा से दूर रखेगी। बोलो, अगर कभी ऐसा होता है ना कि माइंड इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि नहीं बोल, मतलब वो चीज़ अंदर से नहीं आ रही, फिर भी बोलो, बोलना है, बस आपको बोलना है। सुबह उठते ही बेड से नीचे पैर नहीं रखने, पहले डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए। जो भी उन्होंने जीवन में आपको दिया है उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, उनका थैंक यू बोलिए, उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और दिन में जितनी बार आपको याद आए बोलिए, हर बार बोलिए, खासकर जब ये नेगेटिविटी आप पर हावी हो ना, तब तो ज़रूर ही बोलिए, ठीक है। तो येस माई डियर सेजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।